हेलो गाइस, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप इसी तरह के अमेजिंग स्टोरीज को मिस ना कर पाए। और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया। तो कहानी की शुरुआत वापस वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। यंग सोहम को देखते ही उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों के टकराव से वहां पर काफी भी भयानक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। साथ ही हम देखते हैं यंग सोहम को पीछे की ओर धकेलता हुआ जा रहा होता है, पर फिर भी सोहम किसी तरह उसके अटैक को संभालते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ वह दोनों पीछे की ओर हटते हैं, लेकिन यंग उसे बिना कोई समय को और दिए हुए दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके चलते उन दोनों के ही टकराव से दोबारा एक खतरनाक तरीके से उस जगह एनर्जी का विस्फोट होता है। हम देख पाते हैं वहीं दूर कहीं से उन दोनों को देखता हुआ आयरन हॉर्स के दोनों बंदे कहते हैं, सच में यह काफी इनक्रेडिबल है, मुझे लगता था कि यह एक तरफा होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर सिंसियर स्वॉर्ड स्क्वाड का सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप की स्किल इतना महान था तो वो लोग कैसे खत्म हो गए। तो दूसरा बंदा उसे बताते हुए कहता है, मुझे नहीं पता उस मैन को वह किताबें कहाँ से मिली थी, पर फिर भी यह स्वॉर्डमैनशिप काफी एक्सीलेंट है, लेकिन केवल किताबों से इतना कुछ सीखना बहुत ही मुश्किल है जितना तुम सोचते हो। तो दूसरा पर्सन कहता है, मैंने ओरिजिनल को तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इस स्किल में सक्सेसफुल हो गया है। तो वह पहला पर्सन अपने आगे देखता हुआ कहता है, क्या सच में वह सक्सेसफुल है? नहीं, यह उससे भी कहीं ज्यादा है। साथ ही वह सोच रहा होता है, मैंने सोवान के प्रीडेसेसर और उसकी स्वॉर्डमैनशिप को पहले देखा है, पर यह यंग मैन उसने परफेक्टली इस स्वॉर्डमैनशिप को रिप्रोडक्शन की है। उन दोनों के बीच में कुछ तो अंतर है, क्योंकि इस आदमी का मूवमेंट और स्ट्रेंथ दोनों ही सोहंग से तेज और पावरफुल है। सोवान ने उसके कुछ साल बाद जो लेवल को पाया था, इस आदमी ने उसे इतनी कम उम्र में पा लिया है। मुझे पूरा यकीन है हमारे बॉस को उसमें दिलचस्पी होगी। तभी दूसरा पर्सन योंग को देखते हुए कहता है, आखिरकार जिसे येलो माउंटेन का जानवर कहा जाता है, वह उसके साथ इतना आसानी से क्यों जा रहा है? तो वह पहला पर्सन उससे बताता है, क्या बात कर रहे हो आसानी, मुझे लगता है कि वह घबरा रहा है। आगे वह सोचता है, वह अभी निराशा को महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसने अपने लेवल के दुश्मन को नहीं मिला था, इसीलिए दोनों ही इम्पेशेंट को महसूस कर रहे हैं, जिसका कारण केवल एक है, वो दोनों ही अपने दुश्मनों को अब तक बस थोड़ी ही देर में खत्म कर देते थे, पर इस बार नहीं। यह इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इसे और भी देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यह खत्म होने वाला है। इसमें से एक खुद को इस में स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है, तो वही दूसरा जबरदस्ती कर रहा है, उसका शरीर उसकी सीमा के पार चला गया है। यह एक चमत्कार ही है कि वह अभी भी अपनी तलवार को पकड़े हुए है। अगर वह एक पल के लिए ही लापरवाही दिखाता है तो हम देखते हैं यंग उसे काफी ही जोरदार हिट करता है अपने रॉड के साथ और उसे सीधे जमीन के अंदर धसा डालता है। उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि सोहन की बुरी हालत हो गई होती है। वह उसके स्ट्रॉन्ग पावर को रोकने के चक्कर में वहां की पूरी जमीन के साथ ही नीचे की ओर गिर जाता है और वहां की पूरी जमीन कोलैप्स होने लगती है और वह उसके मलबे के नीचे पूरी तरह से दब गया होता है, जो देख ये दोनों बंदे भी काफी हैरान होते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर बस धुआं ही धुआं हो गया होता है धूल की, और सोहंग को देखते हैं जो कि जरा सा भी मूवमेंट को नहीं दिखा रहा होता है, जो देख झट से योंग उसके पास जाता है, जबकि दूसरी तरफ ये बंदे कह रहे होते हैं, क्या वह मर चुका है? नहीं, तुम तो नहीं चाहते थे ऐसा। तो वह दूसरा बंदा बताता है, नहीं वह नहीं मर सकता, यह नामुमकिन है। इधर योंग भी सोहंग को इस तरह बिना मूवमेंट को देखता हुआ काफी गौर से देख रहा होता है, जो देख ये बंदा कहता है, मैंने सुना है लोग कहते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट के हाथों में एक गिरा हुआ पत्ता भी एक पावरफुल हथियार में बदल सकता है, यहाँ तक कि वह सॉर्ड जो कि पूरे महल को काटने में एबल है, वह एक पतली सी छोटी सी पुरानी रॉड को नहीं
नहीं काट पाई। इस पर कि दूसरा वाला बंदा कुछ भी नहीं बोलता। सेम टाइम पर हम योंग को देखते हैं जो कि सोहंग को देखता हुआ कह रहा होता है, ओए असासिन क्या तुम सो रहे हो? पर वह बंदा कोई भी रिप्लाई नहीं देता है तो सोहंग बस उसे देखे जा रहा होता है। लेकिन अचानक ही कुछ होता है। हम देखते हैं सोहंग ने काफी स्पीड के साथ स्नेक अटैक किया होता है योंग पर, जिससे कि योंग बार बार किसी तरह उससे बचता है और झट से उससे दूर होता है। साथ ही खुद को संभालते हुए उसके सभी अटैकों से बचे जा रहा होता है और उससे कहता है, मैं इसे जानता था ऐसा ही होने वाला है। जिसके रिप्लाई में सोहंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर से अपने रफ्तार को बढ़ाते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देख सोहंग पीछे हटते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? इतना बोलते हुए वह जब अपने पीछे देखता है तो वह खुद को रुका हुआ पाता है, क्योंकि उसके पास अब पीछे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी एक बड़े से चट्टान के कारण। वही सोहंग बिना रुके उस पर अटैक किए जा रहा होता है। इधर ये दोनों भी इस सिचुएशन को देख काफी हैरान होते हैं, क्योंकि सोहंग ने काफी ही ज्यादा भयानक अटैक योंग पर कर दिया होता है। हम देखते हैं उसकी सोहर सीधे उस चट्टान को काटते हुए योंग के रॉड को भी काटने ही वाला होता है। वो धीरे धीरे योंग के रॉड को काटता हुआ सीधे उसे हिट किया होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो योंग के दो टुकड़े हो गए हैं। लेकिन जब सोहंग अपने आगे देखता है तो वह काफी ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि भले ही योंग की रॉड टुकड़ों में बट गई हो, लेकिन उसका वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं होता है, बल्कि वो तो सीधे उसके पीछे जाकर उसके गर्दन के पास वाला एक्यूपंचर पॉइंट को दबा देता है। जिसके चलते हम देखते हैं वह तुरंत ही उसी जगह पर बेहोश हो जाता है और सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। यह उसे देखता हुआ एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसके सर से ब्लड बाहर निकल रही होती है सोहंग के शॉट के कारण। जो देख वह अपने मास्टर की बातों को याद करने लगता है जो उन्होंने उससे कहा था, एक बार जब तुम मुझसे पैचन क्लैन के स्किल को इनहेरिट कर लेते हो तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारे साथ डील कर पाएगा। वो चार कमीने भी जिन्होंने मुझे धोखा दिया, यहाँ तक कि तुम्हें हराना नामुमकिन होगा, कोई भी तुम्हें छू तक नहीं सकता जब तक कि तुम इसे खुद से ना चाहो तो। जो सुन छोटा योंग कहता है, बातें करना आप बंद करो, अभी के लिए यह मेरे लिए काफी मुश्किल है। तो वह ओल्ड मैन उसे मारते हुए कहता है, तुम बेवकूफ बच्चे। आगे वह कुछ देर चुप रहने के बाद उससे कहता है, यह एक्साइटिंग से ज्यादा अकेलापन है। यह अल्टीमेट वन के लिए काइंड ऑफ डेस्टिनी है, तुम इसे जल्द ही जान पाओगे। यह सब याद करते हुए वह सोहंग की ओर देखते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मास्टर गलत थे, मुझे अभी अकेलापन से ज्यादा एक्साइटिंग महसूस हो रहा है। मैं अब काफी क्यूरियस हूँ कि आखिर कितने ज्यादा लोग उसके जैसा स्ट्रांग होंगे। पैचोन क्लैन को रिबिल्ड करने में काफी मजा आएगा। इतना बोलते हुए वह सोहंग को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वहीं ये दोनों बंदे उसे अभी भी पीछे से देख रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है, पर इस तरह तुम वहां पर क्या देख रहे हो? क्या वहां पर कुछ हुआ है? तो वह बंदा अभी भी आगे की ओर देखता हुआ सोच रहा था, मैंने एक पल के लिए उसके मूवमेंट को खो दिया था। लेकिन वह उस बंदे से कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, सारी चीजें खत्म हो गई है तो चलो अब हमें भी चलना चाहिए। तो दूसरा बंदा कहता है, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? अगर उसे अथॉरिटी को दे दिया जाता है तो चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो दूसरा बंदा कहता है, उसने खुद ही खुद को इस सिचुएशन में लाया है, वह इस छोटे से समस्या के साथ भी हमारे व्हाइट हॉर्स स्क्वाड तक नहीं पहुंच सकता है तो यह कहना बिल्कुल ही सेफ होगा कि वह हमारे साथ नहीं रह सकता है। जो सुन वह बंदा कहता है, ओ तो ऐसी बात है, वैसे तुमने उसे येलो माउंटेन का लालच क्यों दिया? यह यहाँ से गुजरने के लिए काफी दूर है। तो वह बंदा उसे बताते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि वह इसके लिए इतना गिर जाएगा, मैंने तो बस उसके थोड़े से अहंकार को खरोंचा है और उसके पंख फरफराने से काट दिया है। जो सुन ये बंदा उससे पूछता है, तो फिर तुमने उसके अहंकार को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं किया? वो बंदा जिसको सुन गुस्से के साथ उससे कहता है, वह वैसे भी बहुत अहंकारी दिख रहा था और अहंकार में बातें भी कर रहा था, वह क्या सोचता है वह जो चाहे वह कर सकता
लगता है अगर मैं चाहूँ तो उसे मार भी डालूंगा। जिस पर वह दूसरा पर्सन झूठे से उसकी तारीफ करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। आगे हम इस टेम्पल को देखते हैं। यार मैं बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ, प्लीज माफ करना। जहाँ पर सोहंग को योंग लेकर आ गया होता है और मोंग उसे चेक करते हुए बता रहा होता है, इंटरनली घायल नहीं हुआ है, एक अच्छी नींद के बाद वह ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, उसके जाने से पहले मैं उसे दलिया खिला दूंगा। जो सुन योंग पीछे सोच रहा होता है, अरे यार ये दलिया भी ना, मैं तो यहाँ पर बस यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह जिंदा है, पर तुमने उसे ठीक कर दिया। पर वह मोंग से इसके बारे में नहीं बताता है, बल्कि वह उससे पूछता है, क्या आपको यकीन है कि वह खतरनाक है? एक बार जागने के बाद वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं अभी के लिए यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ। तो मोंग कहता है, हाँ यह ठीक रहेगा, उसे बस गलतफहमी हो गई है, क्योंकि उसने मुझे किसी और के रूप में समझ लिया था, उसे लगता था कि मैंने उसके फादर को मारा है। जो सुन योंग कहता है, क्या सच में? तो फिर क्या वह कोई असासीन नहीं है? जिस पर मोंग जिसको सुन उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम यह किस तरह की बातें कर रहे हो? आखिरकार मुझ जैसे ओल्ड मैन को कौन असासिनेट करने की कोशिश करेगा? तो योंग कहता है, मुझे क्या पता होगा। वो आगे मोंग बोलता है, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी वह कुछ भी करने के लिए काफी ज्यादा थका हुआ है, जब वह जागता है तो वह मुश्किल से ही बैठ पाएगा। मुझे नहीं पता उसने कब से खाने को नहीं खाया है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गई है, वह इस सिचुएशन में एक चम्मच भी खाने के लायक नहीं है, पर फिर भी उसने फाइट की। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रही है, वह इस सिचुएशन में एक चम्मच भी नहीं उठा सकता है, पर फिर भी उसने स्वर के साथ फाइट की, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो सुन योंग कहता है, क्या वह एक चम्मच भी नहीं उठा सकता? यह इतना बुरा है? तो मोंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमको बता रहा हूँ, मुझे यह अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं उपवास का विशेषज्ञ हूँ। योंग जिसको सुन कहता है, ओ हाँ हाँ मैं भूल गया था। आगे हम इनको देखते हैं, जिसको कि योंग एक पत्थर के पीछे से छुप कर देख रहा होता है, और झट से वापस पीछे जाने के बाद अपने सर के चोट को बालों से ढकते हुए कहता है, चलो यार मेरा खून बहना बंद हो गया है, लेकिन इसने मेरे सर पर एक निशान को छोड़ दिया है, खैर अब क्या ही कर सकते हैं। यह दूसरा वाला रॉड, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिछले वाले रॉड के समान होगा। इसी के साथ वह एक लंबी सांस लेता है और किसी तरह हिम्मत करके वापस इनके अंदर जाते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। तो बुढ़िया कहती है, चलो अब जल्दी करो, ऑर्डर को चेक करो और जल्दी से उसे डिलीवरी कराओ। लोंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ। आगे हम किसी अनजान सी जगह को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बड़े से माउंटेन के अंदर पूरा एक मैंसन होता है, और उस खूबसूरत से मैंसन के अंदर एक खूबसूरत सी लेडी चाय को पीते हुए कह रही होती है, डोकोयांग के स्टूडेंट के साथ क्लोज फाइट, यह तो काफी इम्प्रेसिव है। और मैं यह बता दूं, यह खूबसूरत सी लेडी व्हाइट हॉर्स स्क्वाड का लीडर जिन गायोंग होती है। आगे वह कहती है, मुझे पता था वह इतना अच्छा तो है ही। तो उसके आगे वाला पर्सन कहता है, तो अब उस ओल्ड मैन का क्या? हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए, साथ ही मुझे नहीं लगता है कि वह जल्दी ही कोई मूवमेंट करेगा। हमने कई जगहों पर ट्रैप को बिछा दिया है और अब हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। जिसको सुन वह लेडी कुछ भी नहीं बोलती है, तो वह बंदा उसे देखता हुआ कहता है, ओह अच्छा मैं समझ गया। उतने में ही वह लेडी कहती है, कैप्टन योंग आपने क्या सोचा है? जिस पर वह बंदा कहता है, किस बारे में? तो वह लेडी कहती है, आप भी तो पैचन क्लैन से ही हैं, वही डोकोयांग का स्टूडेंट जो कि सोहंग से फाइट किया है, तो ये उसके लिए काफी होना चाहिए एब्सोल्यूट वन के सक्सेसर कहलाने के लिए। जो सुन वहां पर एक खामोशी सी छा जाती है, और थोड़ी ही देर बाद वह बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वह क्वालिफाइड है, पर फिर भी अगर आप मेरे ओपिनियन को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, वह कम्प्लीटली मैच था। जो सुन वह लेडी उसकी ओर देखने के बाद अपने जाम को लेते हुए कहती है, तब तो यह बुरा है। वेल, चलो देखते हैं, उसे जल्द ही खुद को पूरी तरह दिखाना ही होगा। जो सुन कैप्टन योंग भी थोड़ी देर के लिए काफी शॉक हो जाता है। आगे हम देखते हैं ओल्ड मोंग को, जो कि जब खाने को लेकर सोंग के लिए जाता है तो वह अपने कमरे में नहीं होता है,
और खिड़की खुली हुई थी। हम देखते हैं वह वहां से भाग चुका था। आगे वह उस टेम्पल को देखने के बाद वापस से अपने रास्ते पर निकल जाता है और हांफते हुए योंग के बारे में याद कर रहा होता है। इसी के साथ हम किसी जगह पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि हंसते हंसते एकदम से ही सीरियस हो जाता है। साथ ही उसके सामने जितने भी बूढ़े आदमी होते हैं वह भी अचानक से ही एक दूसरे को अपना मुख बंद करके देखने लगते हैं और कोई बोल रहा होता है। हमेशा यही होता है जब लोगों को मेरे पास्ट के बारे में पता चलता है तो वे कंफ्यूजन, डर और भय को दिखाते हैं। उतने में ही उसके पीछे एक आवाज सुनाई देती है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर आपने जो प्रोडक्ट को डिलीवरी किया है वह इससे अलग है और आपको यह पसंद नहीं आया है तो आपको इसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज आप इस टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के बॉटम में साइन कर दीजिए। आपके यहाँ यह 2 से 3 दिनों में डिलीवरी हो जाएगी। आगे वे दोनों जाते हुए बात कर रहे होते हैं। तुमको क्या लगता है? तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ यह इनक्रेडिबल था, आपने आज सुबह 3 ऑर्डर को लिया है। जो सुन दूसरा बंदा कहता है, तो अब बताओ क्या तुमको लगता है कि तुम अब कर सकते हो? जिस पर वह बंदा कहता है, नहीं मुझे अभी भी नहीं लगता। वह दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय लो और इंतजार करो। पहला बंदा कहता है, हाँ क्यों नहीं सर। दूसरा बंदा बताता है, हम मर्चेंट हैं, ऐसे मर्चेंट नहीं जो बाजार में जाकर सामान बेचता हो। हम कस्टमरों से सामान खरीदवाने के लिए उनके घर जाते हैं। यह बेचने का बिल्कुल नया तरीका है, इसे डोर टू डोर सेल कहते हैं। आगे हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, हम डिमांड के बेस पर सप्लाई नहीं करते, हम डिमांड को क्रिएट करते हैं सप्लाई करने के लिए। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम अपने खरीदारों को यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि उन्हें इसे खरीदना ही चाहिए। हम वह सभी चीजें बेचते हैं जो कि बेचा जा सकता है। इसी तरह वह काफी सारी बातें बताता है, मैं इसे थोड़ा सा स्किप करता हूँ। हम देखते हैं उन्हीं लोगों के बीच यह बंदा सोच रहा होता है, वह चाहता है कि मैं इसे सीखूं और सामान को सेल करना शुरू कर दूं, लेकिन अगर मैं उसके साथ भी बेचना शुरू करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं बेच सकता, पर अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगा। उतने में ही उससे कोई बोलता है, तुम्हारा नाम उबोक है ना? वह बंदा कहता है, हाँ मेरा नाम गा उबोक है। जिस पर वह बंदा कहता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? उबोक बताता है, हाँ मेरे 3 बच्चे हैं। जो सुन वह बंदा कहता है, तुम्हें अपने बच्चों के लिए काम करना ही होगा। उबोक जिसको सुन कहता है, हाँ। साथ ही वह सोच रहा होता है अपने बच्चों के बारे में, क्या वे ठीक होंगे? आगे हम इन बच्चों को देखते हैं जो कि इनके अंदर आते हुए कह रहे होते हैं, मेरे गोल मटोल बड़े भाई हम आ गए हैं। इतना बोलते हुए वो लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके आगे एक बड़ा सा मोटा आदमी आकर खड़ा हो गया था। वो लोग उसे देख जोरों से चिल्लाते हुए पीछे हटते हुए कहते हैं, आखिरकार ये क्या है मोटे भाई? लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आता है, ओह किरे कहीं के तुम लोग हो, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, चलो अब अंदर आ जाओ। वही वे बच्चे बोल रहे होते हैं, उसने मुझे सच में डरा दिया था। आगे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उन बच्चों को डांटते हुए कह रही होती है, मैंने तुम लोगों से कहा था वहीं पर रुकना, तो फिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? जबकि वे बच्चे उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, आखिरकार आप हो कौन और क्या आप हमें जानते हैं? वे लोग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हमें क्यों डांट रही है। तभी ये लेडी हंसते हुए कहती है, यह तुम्हारी माँ है बेवकूफो, मैंने तुम्हारी माँ पर कुछ मेकअप किया है। तो वे बच्चे कहते हैं, यह कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रही हैं, माँ मेकअप के बाद भी इतनी सुंदर नहीं लग सकती। वहीं कुछ लोग भी उस लेडी को काफी गौर से देख रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर वह किस तरह के मेकअप को किया है जो उसे इतना बदल दिया? जिसके प्ले में दूसरा बंदा कहता है, मुझे कैसे पता होगा? जो सुन होल्ड मॉन्क कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, उस बुढ़िया का मेकअप स्किल बहुत ही बढ़िया रहा है हमेशा से। उसकी बुढ़िया वाली बात को सुन एक पर्सन कहता है, आखिर यहाँ पर बुढ़िया कौन है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो ओल्ड मॉन्क उसे बताते हुए कहता है, तुमको क्या लगता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वह चूहो है। आगे वह कुछ बोल पाता तभी उसके सर पर एक कटोरी काफी जोरदार तरीके से फूटती है, जिसके चलते वह तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं वह ओल्ड लेडी जो कि फिलहाल के लिए मेकअप करके जवान दिख रही है, वह कहती है, वह माफ करना मेरे हाथ से वह फिसल गया था। जबकि दूसरे बंदे ओल्ड मॉन्क को देखता हुआ कह रहे होते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? वहाँ के सिचुएशन को देख इन तीनों बच्चों के साथ उसकी माँ भी काफी डर गई होती है और वे बच्चे आपस में सोचते हुए कहते हैं, अरे यार मैंने यह क्या डरावनी चीज को देख ली। तभी
उनकी माँ कहती है, चलो बच्चों, जब तक कि मैं यहाँ पर अपने काम को पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम लोग बाहर ही रहना। पर वे लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। वह तीनों बच्चे वापस से इनके अंदर आते हुए कहते हैं, ब्रदर हम बोर हो रहे हैं। तो योंग कहता है, हाँ सच में, पर अब मैं क्या करूं। तो उन्हीं के बीच से एक बच्चा कहता है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। जो सुन यंग उसकी ओर अजीब से नजरों से देखते हुए कहता है, तो तुम यही चाहते थे। ठीक है, यही पर रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो उन लोगों के लिए कुछ डम्पलिंग को लेकर आता है, जिसे देख हुए सारे बच्चे उसे शुक्रिया बोलते हुए काफी खुश होते हैं। वही यंग उन सभी को देखता हुआ एरी को शुक्रिया बोलता है और वो भी खाने की तैयारी करने लगता है। तो एरी उसे रोकते हुए उसके पेट को पकड़ता है और उसे मोटापे को दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी चर्बी काफी बढ़ गई है, इसके लिए शायद तुम्हें कुछ करना चाहिए। यदि तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलने वाला है। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है, जबकि वे बच्चे उससे बोल रहे होते हैं, बड़े भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो। तो योंग कहता है, अरे नहीं नहीं तुम लोग खाओ। वे बच्चे दोबारा कहते हैं, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि हैरी ने आपको मोटा कहा है। तो योंग उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए उससे पूछता है, क्या तुम्हारे फादर इन दिनों घर नहीं आए हैं। तो एक बच्चा बताता है, नहीं वह नहीं आया है, कभी कभी वह देर से घर आते हैं और सुबह सुबह जल्दी वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वह बहुत सारे पैसे को कमाएंगे और हमें स्टेक से भर देंगे। योंग कहता है, हाँ यह अच्छा रहेगा। वहीं कहीं पर हम उन लोगों के फादर को देखते हैं जो कि अपने कान को खुजाते हुए कह रहा होता है, अरे यार मैं चाहता हूँ कि मेरा पेट स्टेक से भर जाए। इतना सोचते हुए वह काफी धीमे धीमे चल रहा होता है। तो उसके आगे चल रहा वह मर्चेंट कहता है, तुम क्यों रुक गए हो, जल्दी करो। आगे हम देखते हैं उन लोगों पर पानी को फेंकते हुए कह रहे होते हैं, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था मुझे नहीं खरीदना है, अब मुझे परेशान मत करो। उस लेडी की ऐसी हरकत से वह काफी गुस्सा हो गया होता है, लेकिन उसके साथ वाला मर्चेंट उसे रोकते हुए कहता है, ठीक है मैम हम अगली बार वापस आएंगे। तो वह लेडी अंदर जाते हुए कहती है, अगली बार वापस मत आना, नहीं तो अभी की तरह अगली बार का पानी वह साफ नहीं होगा। इतना बोलकर वह उन लोगों के सामने ही दरवाजे को बंद कर देती है। मर्चेंट हुबक को खींचते हुए कहता है, चलो हम चलते हैं, जब हम उनसे कुछ बार दोबारा मिलेंगे तो उनका रवैया थोड़ा सा नर्म हो जाएगा। और मैं यह अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो वह खुद से बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम कोई भी गैर कानूनी या फिर गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें आखिरकार इस तरह के अपमान को क्यों सहना पड़ रहा है। तो वह मर्चेंट कहता है, क्या हमारे पास वह अभी भी है। जो सुन हुबक चौंकते हुए कहता है, तो वह बंदा आगे जाते हुए कहता है, तुम्हारा गॉल ब्लेडर। जो सुन हुबक उसे पीछे से देखता हुआ सोचता है, सीनियर मर्चेंट ड्यूक वह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, उसकी सेल्स स्ट्रेटेजी कुछ खास नहीं है बल्कि लोग खुले दिल से उसके सामान को खरीदते हैं। आगे हम उन लोगों को दोबारा कुछ लोगों के पास जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वे अपने सामान को दिखा रहे होते हैं। हुबक कहता है, हालांकि हर बार लोग सामान नहीं खरीदते हैं। अरे यार मैं काफी सारी चीजों को कट कर रहा हूँ। इसी तरह वे लोगों को सामान जा जाकर बेच रहे होते हैं। और एक आदमी उन लोगों से बोलता है, मैंने यह कसाईयों का चाकू पिछले महीने ही खरीदा था तुम लोगों से, जिसे लेकर तुमने हमसे कहा था कि यह कम से कम 10 सालों तक तो चलेगा ही, पर अब इसका हाल देखो, तुम इसे लेकर अब क्या करने वाले हो। इसे वापस लेकर जाओ या फिर मुझे एक नया दे दो, नहीं तो मेरे पैसे वापस करो। तो वह मर्चेंट डुक उस चाकू को देखते हुए कहता है, यह चाकू मैंने आपको नहीं बेचा है श्रीमान। तो आदमी काफी गुस्से में कहता है, भले ही यह मैंने तुमसे नहीं लिया है, लेकिन क्या तुम लोग मर्चेंट यूनियन या फिर जो कुछ भी है उसके मेंबर नहीं हो। अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं दिलाया तो हम सभी को बता देंगे कि तुम लोग नकली सामान बेचते हो। उस बंदे को तरह देख वह काफी गुस्से में सोच रहा होता है, आखिरकार इस आदमी को लगता क्या है, वह चाकू कम से कम 1 साल पुराना है, वह बेवकूफ कहीं के। तभी मर्चेंट ड्यूक उस बंदे के आगे ग्रेट करते हुए कहता है, मैं आपको समझ सकता हूँ, लेकिन यह चाकू हमने नहीं बेचा है, इसलिए मैं आपको ना ही पैसा वापस कर सकता हूँ और ना ही इसके बदले कोई नया चाकू ले सकता हूँ, लेकिन इसके बजाय मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। इतना बोलने के बाद वह उस चाकू के धार को तेज करने के बाद उसे देते हुए कहता है, ये लीजिए आपको क्या लगता है यह बिल्कुल। जो सुन वह बंदे और उसकी पत्नी उस चाकू को लेकर देख ही रहे होते हैं। तभी मर्चेंट डुक और उबक वहां से जाते हुए कहते हैं,
ठीक है सर, अब हम जा रहे हैं। तो वह बंदा उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आपने अभी अभी किसका उपयोग किया था? आपने इस चाकू को ज्यादा घिसा भी नहीं और जंग पूरी तरह से उतर गया। मुझे वह वेस्ट स्टोन को क्या आप देखने देंगे? जोसुन मर्चेंट ड्यूक कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन यह बेचने के लिए नहीं है। तो वह बंदा कहता है, इसका क्या मतलब है? तो मर्चेंट ड्यूक उसे बताते हुए कहता है, यह केवल अथॉरिटी के लिए बनाया गया है ताकि वे अपने हथियार को तेज कर सके। वैसे भी यह केवल एक एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए यह आम लोगों के लिए सेल करना फिलहाल के लिए बंद है। तो वह बंदा कहता है, ठीक है, पर अगर कोई ग्राहक आपके सामान को खरीदना चाहता है तो वह आपको बेचना चाहिए। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जब मर्चेंट ड्यूक और उबॉक एक साथ बैठे हुए होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो उबॉक अपने सारे ऑर्डर को देखते हुए कहता है, वाह क्या बात है, एक दिन में 14 ऑर्डर, क्या आपको अब तक करोड़पति नहीं बन जाना चाहिए था? तो मर्चेंट ड्यूक बताता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। खैर मुझे बताओ कि आज पूरे दिन मेरा पीछा करने के बाद तुमने मुझसे कुछ सीखा है? तो वह उसे बताता है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें बहुत मजा आया, खासकर जब आपने उस सुअर जैसे आदमी को वेट स्टोन बेचा तो वह काफी ही ज्यादा एडमायरेबल था। आप ऐसा कर कैसे लेते हैं? मर्चेंट ड्यूक उसे बताता है, तुम इसे अभ्यास करके नहीं सीख सकते हो। एक मर्चेंट के रूप में हमें कभी भी किसी भी समय कुछ भी बेचने में एबल होना चाहिए। जब तक तुम इसे नहीं भूलते हो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम उसे सामान को खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि तुम उन्हें सामान को खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हो ग्राहकों के साथ कम्युनिकेट करके, क्योंकि यहीं से सब शुरुआत होती है, जो कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है। आगे वह एक घर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम वह खाली घर को देख रहे हो? तो वह कहता है, हाँ। जिस पर मर्चेंट ड्यूक बताता है, आज उस घर में एक परिवार रहने के लिए आ रहा है, वे जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे, यही कारण है कि हम यहाँ पर अपने समय को बिता रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करना अच्छा रहेगा। जिस पर बॉब कुछ भी नहीं बोलता है तो वह कहता है, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? वो बॉब बताता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आगे यार काफी सारी इसमें बातें हैं, शायद आप लोग को बोर हो जाए इसलिए मैं इसे शॉर्टकट में चलो बता देता हूँ। आगे वे लोग आ जाते हैं, चलो इसे स्किप करते हैं। हम एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर मर्चेंट ड्यूक विभाग को बाय बोलते हुए कह रहा होता है, खैर यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, चलो अलविदा। और अगर तुम येलो ड्रैगन माउंटेन के पास रहते हो तो तुम यहाँ से बिल्कुल बाएं जाना। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं इबॉक उसे बाय बोलते हुए कहता है, थैंक यू सर, आज आपसे मैंने काफी कुछ सीखा है, इसके लिए शुक्रिया। इतना बोलकर वह भी वहाँ से जाते हुए कहता है, वह एक सच्चा मर्चेंट है। साथ ही वह पूरी तरह से गंभीर होते हुए कहता है, तुम गैल ब्लेडर को बेच सकते हो पर अपना जमीर नहीं। और यह बात उसी मर्चेंट ड्यूक ने उससे कहा होता है, वह इसे याद कर हुए कहता है, अरे यार यह सच में शर्मनाक है, पर इससे क्या है फर्क पड़ता है, मैं कल से अपना सबसे बेस्ट करूंगा। आके हम उसे देखते हैं कहीं पर बैठा हुआ और वह एक झोपड़ी को देखता हुआ काफी सोच में पड़ा होता है। तभी उसके साइड में एक काफी डरावनी शक्ल आता है, जो देख वह डर के मारे कहता है, अरे बाप रे ये क्या है, सच में तुमने मुझे डरा दिया। आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या अभी भी तुम डंपलिंग को डिलीवरी करने के लिए जा रहे हो? तो यंग उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी अभी मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे घर वापस देकर आया हूँ। तुम्हारी वाइफ इनमें काम कर रही थी तो उन्हें काम ज्यादा होने के कारण ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो वह बंदा चौंकते हुए कहता है, क्या वे बच्चे अभी भी जाग रहे हैं? योंग उसे बताता है, नहीं वे पहले ही सो गए हैं, पर मैं मिसेज गा के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वह शायद अभी भी जाग रही होंगी। जो सुन वो बंदा कहता है, ओ तो ऐसा है। वो इसकी हालत को देख योंग कहता है, क्या तुमको घर वापस नहीं जाना चाहिए ब्रो? वो बंदा बताता है, हाँ पर एक मिनट, मैं थोड़ी देर बाद जाने वाला हूँ। जो सुन योंग उससे कहता है, चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो बंदा उसे बाय बोलते हुए कहता है, ठीक है। आगे जब योंग वहां से जाने लगता है तो वह बंदा उसे रोकते हुए कहता है, हर बार हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। जिस पर योंग उसकी ओर देखने के बाद कहता है, ओह ऐसी बात है, चलो ठीक है, जब भी तुम बार क्यों पार्टी करना
मुझे इनवाइट करना मत भूलना, तो वह बंदा चिढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आगे वह योंग को देखते हुए सोचता है, अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो एक ऐसा लड़का, जब उसे पता चला था कि मैं कौन हूँ तो उसके बाद भी उसे डर नहीं लगा। मुझे अब पछतावा होता है, सच में वह काफी अच्छा आदमी है। जिसके बाद हम अगले दिन को देखते हैं, कहीं पर मर्चेंट ड्यूक बोल रहा होता है, ऑलराइट चलो सेल करते हैं कुछ और भी, ऑलराइट चलो गल ब्लडर को सेल करते हैं। वहीं उन सभी की भीड़ में अकेला युवक सोच जिसे रहा कुछ देर होता बाद है। हम देखते हैं, युवक ड्यूक को ढूंढते हुए कह रहा होता है, उसने कहा था कि यह घर बिल्कुल ही अलग दिखता है, तुम इसे बड़े ही आसानी से ढूंढ सकते हो, लेकिन अब जब मैं इसे देखता हूँ तो यह आसान नहीं है। क्या वह वहीं पर रहता है? वह छुप कर उस ओर देखता है तो वहाँ पर दो लोग होते हैं, जबकि घर के अंदर कुछ लोग बोल रहे होते हैं, यह कितना बेवकूफी भरा था, हमें लगा था तुम पैसों को चुरा कर एक काफी बड़ी हवेली में रहोगे, पर अब लगता है ऐसा कुछ भी नहीं था। मिस्टर, अगर माँ जिंदा होती तो तुम्हें मारने की रिक्वेस्ट को वह वापस ले लेती। तो वह बंदा कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जिसके रिप्लाई में वह बंदा उसकी ओर देखते हुए कहता है, हमें भी ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यह हमारा काम है। आगे वो लोग कुछ बोल पाते तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जो की बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए एक सुझाव है, तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, नहीं तो तुम लोग पछताओगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। जो सुन वे बंदे जब अपने पीछे देखते हैं तो दरवाजे से युवक अंदर आते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो यार, अंदर तो काफी सारे लोग हैं, मैं थोड़ा उनसे मिल लेता हूँ, बाद में वापस चला जाऊंगा। उसे देख ड्यूक कहता है, युवक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उतने में ही मेन बंदे के पीछे खड़ा दो बंदे युवक पर अटैक करते हुए कहता है, तुम पागल कमीने कहीं के हो कौन? आगे वो लोग कुछ कर पाते हम देखते हैं, वह तीनों ही एक साथ घर के बाहर होते हैं और इबॉक उन सभी को काफी ही डरावनी लुक से देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं इबॉक एक टकले बंदे को गर्दन से पकड़ा हुआ उससे कह रहा होता है, अगर मैं पागल इंसान हूँ तो तुम कौन हो? क्या तुम्हें भी पागल नहीं कहा जाएगा, कमजोरों को सताने के लिए? उसे इस तरह देख एक बंदा उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ मिस्टर, रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए हमारी बात तो सुन लो, यह मैं हूँ जो कई बार आपसे व्हाइट हॉर्स स्क्वाड में मिला था, क्या आपको याद है? तो युवक उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या व्हाइट हॉर्स स्क्वाड? आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, वे बंदे माफी मांगते हुए कह रहे होते हैं, हम इस मैटर का ध्यान रख लेंगे, ले जाओ अपना ध्यान रखिएगा, और अब हम जाने की अनुमति चाहते हैं। इतना बोलकर वह जाते हुए पीछे युवक की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है, युवक द घोस्ट सोल, वह व्हाइट हॉर्स स्क्वाड का फेमस ग्रिम रीपर हुआ करता था, पर वह अब यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने सुना था कि वह रिटायर हो गया है और मार्शल आर्ट दुनिया को छोड़ दिया है। इतना सोचते हुए वे सारे बंदे वहाँ से चले जाते हैं, जबकि युवक उन सभी को पीछे से जाता हुआ देख उन सभी के चले जाने के बाद वह मर्चेंट ड्यूक से कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि आप नहीं आए थे, अगर यह कल जो हुआ उसके लिए था तो। पर हम देखते हैं ड्यूक उसे देखता हुआ काफी डर रहा होता है, जो देख युवक भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उसके पीछे उसके बच्चे और पत्नियों को देखता है, वह भी उसे देख काफी डर गए होते हैं। उन सभी की ऐसी हालत को देख युवक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं योंग किसी से बात करते हुए कह रहा होता है, क्या युवक व्हाइट हॉर्स स्क्वाड का मेंबर हुआ करता था? तो बुढ़िया उसे बताते हुए कहती है, हाँ क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? नहीं मुझे नहीं पता था, क्योंकि वह मुश्किल से ही अपने बारे में बात करता है। जिस पर यारी उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि व्हाइट हॉर्स स्क्वाड का काम क्या है? तो आगे वो कुछ तो बोलता है पर हमें बताया नहीं जाता है। तो आगे हम वापस युवक को देखते हैं जो कि जाता हुआ सोच रहा होता है, धत तेरे की मैं वापस घर क्यों जा रहा हूँ, चलो छोड़ो आज के लिए मैं छुट्टी ले लेता हूँ और अपने बच्चों के साथ ही खेलूंगा। इसी के साथ जब वह घर पहुँचता है तो उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होता है, तो वह अपने आसपास देखने के बाद कहता है, चलो अब बाहर आ जाओ। जिसको सुन उसके घर से एक बंदा बाहर की ओर आता है और उससे कहता है, हेलो ब्रदर कैसे हो, जब तुम रिटायर हो गए हो तो हमारे काम में फिर से क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया है
तुम्हारे सर को अपने साथ लेकर आने के लिए। और हाँ, यह वही बंदा होता है जो कि पहले भी सोहम को अपने साइड करने के लिए गया होता है। युवक उसे देखता हुआ कहता है, हेलुसिनेटर यांग हाक। इतना सोचने के बाद वो उस बंदे से कहता है, क्या ही बकैती है तुम्हारे काम में इंटरफेयर करना, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो वह बंदा कहता है, क्या तुम इसी तरह इसे खत्म करना चाहते हो, यह बस कुछ घंटों पहले की बात है, भी तुम यह कहना चाहते हो कि यह तुम्हें याद नहीं है। उसकी बातों को सुन युवक को याद आता है उस मर्चेंट ड्यूक की बात। वो कहता है, तो यह इस बारे में है। साथ ही वह उस व्हाइट हॉर्स स्क्वाड बंदे की बात को भी याद करता है जो कि वहां से जाने से पहले उससे कहा होता है, मैं इस मामले का ध्यान रख लूंगा। युवक कहता है, वह चूहा कहीं का, मुझे बताओ तुम लोग उस आदमी को कहीं मारा तो नहीं है ना। तो यह बंदा कहता है, काश हम ऐसा कर पाते, लेकिन जब चुहांग वहां पर गया था तो वे लोग पहले ही वहां से भाग चुके थे। जो सुन हिबॉक भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, पर आखिर में वह खुश होते हुए कहता है, यह तो अच्छी खबर है। जिसके रिप्लाई में वह बंदा कहता है, क्या सच में। खैर तुम्हें तो पता ही है काम को इस दुनिया में कैसे संभाला जाता है, इसीलिए अब इस मैटर की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। जो हमने अपनी इनकॉम्पिटेंट को एडमिट करने के बजाय तुम पर ब्लेम डाला है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति बहुत अधिक क्रूर नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक समय पर भाई हुआ करते थे और यह तुम जानते हो। यदि तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें हमारे बॉस को समझाने का एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं युवक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। आगे वो बंदा बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि बॉस तुम्हें मरवाना नहीं चाहते हैं। इतना बोलकर वह सभी उसे बांधने ही वाला होता है, तभी वह काफी ही ज्यादा खतरी लुक के साथ उन दोनों को ही साइड कर देता है। जो देख वह बंदा कहता है, तो तुम ऐसा ही चाहते हो। वही हम युवक को देखते हैं जो दोबारा उन दोनों बंदों को जोरदार पंच के साथ दूर फेंक देता है। जो देख वहां पर आए हुए सारे बंदे घबरा गए होते हैं। आगे हम युवक को देखते हैं जो कि अपने पीठ से सामान को नीचे रखते हुए उन सभी से कहता है, तुम थोड़े से धीमे हो गए हो मिस्टर यांग। मैं भले ही दुनिया से अलग हो गया हूँ, लेकिन अब मेरे पास अपनी जगह है, इसलिए अब कोई भी चूहा मेरी जगह पर नहीं आ सकता। फिर भी अगर तुम मेरा सर चाहते हो तो तुमको यह खुद से ही करना होगा। अपने इस चिले चपेटों के बजाय उसकी इस तरह की बातों को सुन वहां पर खड़े सारे बंदे अपने अपने वेपन को बाहर निकालने लगते हैं। जो देख ये बंदा कहता है, अरे यार धिक्कार है, तुम बॉस को सब कुछ बता सकते थे, पर तुम हर चीज को गंभीरता से लेते हो जैसा कि पहले लिया करते थे। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं उस घर से एक बंदा युवक की छोटी बेटी को बाहर निकालता है, जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है, पापा चलो मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, पापा इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, ये लोग आपके दोस्त नहीं है, सही कहा ना। उसकी इतनी सारी बातों को सुन वह बंदा उसके गर्दन के पास वाला एक्यूपंचर पॉइंट को दबाते हुए उसे बेहोश कर देता है। उसे इस तरह करता देख वह काफी ही गुस्से में उससे कहता है, वांग क्यों तुम छोटे कमीने कहीं के। जो सुन वह बंदा कहता है, यह बच्ची अभी बस सो रही है। आगे उसके सेंटेंस को पूरा करता हुआ दूसरा बंदा कहता है, उसने कहा बस अभी के लिए। जो सुन युवक अपने दांत को पीसता हुआ काफी ही गुस्सा हो रहा होता है, जबकि ये बंदा बस उसे देखे जा रहा होता है। तो युवक उससे कहता है, आखिरकार कब से व्हाइट हॉर्स स्क्वाड इतना गंदा हो गया है। जिसके रिप्लाई में ये बंदा कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमें चीजों को निपटाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना बोलते हुए वे सभी युवक चेन से बांध लेता है और काफी ही ज्यादा उसे पीटता है। बाद में हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देख यह दोनों बंदे आगे कहते हैं, चलो अब हम वापस चलते हैं। तो कोई कहता है, इस फैमिली के बारे में क्या, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे या फिर उन्हें भी हम अपने साथ ले जाएं। जिसके रिप्लाई में कोई कहता है, चलो ठीक है जब तक यह खत्म नहीं हो जाता तभी तक। और हाँ, वे सारे बंदे नए बॉ को ले गए होते हैं और नहीं उसकी फैमिली को, वो लोग उसे ऐसे ही वहाँ पर छोड़ कर चले गए होते हैं। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर युवक का सबसे बड़ा बेटा भागते हुए आते हुए कहता है, फादर आपके साथ क्या हुआ है। इतना बोलते हुए जब वह अपने फादर को देखता है तो वह जमीन पर बिना किसी मूवमेंट के पड़ा होता है। आगे कोई बोल रहा होता है, बड़े भाई क्या तुम ठीक हो। तो उसकी माँ कहती है, वह ठीक है चलो उसे अंदर ले चलो। वही उसकी छोटी बेटी कह रही होती है, वे मरे हुए नहीं है, सही कहा ना। वही उसका बड़ा बेटा रो रहा होता है तो उसकी माँ उससे कहती है, रोना बंद करो,
वापस अंदर आओ और जमीन पर कंबल को बिछा दो। वो अपने फादर को ढूंढते हुए कहता है, फादर कहाँ पर हैं? आगे वह जमीन पर गिरे हुए ब्लड की ओर देखता है और काफी ही ज्यादा डर गया होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम इनके बाहर यंग को देखते हैं जो कि उबासिया ले रहा होता है, बिल्कुल ही टेंशन फ्री। लेकिन तभी उसकी नजर आगे से भागता हुआ किसी पर पड़ता है जो कि पूरी जान लगाकर उसकी ओर आ रहा होता है। बिना अपनी परवाह किए वह कई बार रास्ते में गिरा हुआ होता है, साथ ही वह काफी जोरों जोरों से रो रहा होता है। यंग उसकी ऐसी हालत को देख काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। वह झट से उसे पकड़ता हुआ संभालता है। उतने में ही पीछे से बुढ़िया और हैरी भी बाहर आती है तो उन सभी का भी ध्यान उस बच्चे की ओर पड़ता है जो कि यंग को सारी बातें बता रहा होता है। जो सुन यंग कहता है, या उसे किडनैप कर लिया गया है। आगे हम देखते हैं वह उस बच्चे को लेकर वहां से चला गया होता है, जबकि एरी और बुढ़िया उसे देख वापस अपने इन के अंदर आते हुए कह रही होती है, व्हाइट हॉर्स स्क्वाड वह अलग हैं, उन्हें हल्के में लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एरी कहती है, चलो भी क्या बात कर रही हो माँ, उसने बोल कर गया है कि वह बस उन लोगों से बात ही करेगा, तो फिर आखिर इसमें गलत ही क्या हो सकता है। जो सुन बुढ़िया काफी ही ज्यादा साइको वाली लुक देता हुआ कहती है, मैं पिछली बार की तुलना में 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर बाजी को लगाती हूँ, बताओ क्या तुम ऐसा करो कि? बुढ़िया के इस तरह के कॉन्फिडेंस को देख हैरी भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है, पर बुढ़िया आगे बताती है, अगर तुम उसे लेकर इतना ही कॉन्फिडेंस हो तो आगे बढ़ो और मेरे साथ सौदा करो। तो हैरी उससे बताती है, माँ परिवार के लोगों के साथ बाजियों का लगाना गलत चीज होती है। जिस पर बुढ़िया कहती है, तुम क्या बात कर रही हो? आगे हम किसी जगह को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बड़ी ही आलसी भरा तरीके से पहरा दे रहा होता है। तभी उन सभी का ध्यान आगे आ रहे एक पर्सन पर पड़ता है जो कि कोई और नहीं योंग होता है। उसे देख वे लोग कहते हैं, तुम हो कौन? वहीं पर रुक जाओ, यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम वापस चले जाओ बच्चे। तो योंग कहता है, मैंने सुना है कि व्हाइट हॉर्स स्क्वाड तक पहुंचने के लिए मुझे यहीं से गुजरना होगा। जो सुन वे बंदे कहते हैं, आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने इससे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक किया है? आगे वह यंग से बोल ही रहा होता है, यदि तुम यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट को करने के लिए आए हो तो तुमको मैं बता दूं यह गलत पता है, तुम्हें पहले इस माउंटेन के चारों तरफ चक्कर लगाना होगा। पर यंग उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए आगे जाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट को देने के लिए नहीं आया हूँ। जो सुन वह बंदा भी चौंक जाता है और उसकी ओर बड़े गौर से देखने लगता है। तो यंग उससे कहता है, तुम व्हाइट हॉर्स स्क्वाड से हो, सही कहा ना? तुम्हारे कुछ लोगों ने मेरे एक दोस्त को पकड़ लिया है, मुझे बताओ कि वे यहाँ से कब गुजरेंगे? जो सुनते ही वे बंदे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और झट से अपने वेपन के साथ तैयार होते हुए कहते हैं, आखिरकार यह बच्चा है कौन? जो देख यंग उन दोनों को ही ठिकाने लगा देता है। लेकिन तभी उस पर दो एरो से अटैक होता है जिसको कि वह संभालते हुए अपने साइड में धान की खेत की ओर देखता है जहाँ पर कुछ बंदे कह रहे होते हैं, व्हाइट हॉर्स स्क्वाड अपने सभी दुश्मनों को ट्रैक करता है और उन्हें मार डालता है, क्या तुम फिर भी ऐसा करना चाहते हो? तो यंग पूरी तरह से तैयार होते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि व्हाइट हॉर्स स्क्वाड कैसा है। सेम टाइम पर हम वहां से दूर कुछ लोगों को पहरा देते हुए देखते हैं जो कि काफी जोरदार आवाज को सुनते हुए कहता है, आखिरकार यह शोर कैसी थी? इतना बोलते हुए जब वो अपने आगे देखता है तो उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है पूरे समंदर में सुनामी आ चुकी होती है। जो देख वे बंदे कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरी व्हाइट हॉर्स स्क्वाड की जगह उस सुनामी की चपेट में आ जाती है और पूरी जगह इसी के साथ बाढ़ में बह जाती है, क्योंकि हम देखते हैं योंग ने काफी ही ज्यादा भयानक और डरावने के साथ साथ खतरनाक अटैक किया होता है समंदर के बीच ही, जिसके चलते वहाँ की पूरी समंदर के नीचे वाली जमीन तबाह हो चुकी होती है। जबकि योंग अपने अटैक को करने के बाद शांत होता हुआ अपने आगे देखता है और काफी ही स्पीड में उस ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जमीन के नीचे कुछ लोग देखते हैं छत से पानी नीचे की ओर टपक रही होती है और ये वही लोग होते हैं जो कि इबॉक को अपने साथ लेकर आए हुए होते हैं। एक बंदा वहां से बाहर जाते हुए कहता है, क्या यह कोई भूकंप था? तो पीछे से एक बंदा कहता है, मिस्टर। जो सुन वो बंदा कहता है, क्या है? तो उसके सामने वाला बंदा बताता है, इसकी पल्स धीमी पड़ रही है, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिसके रिप्लाई में वह बंदा कहता है,
चिंता मत करो, वह नहीं मरने वाला, और तुम लोग भी वहां से निकल जाओ। अगर वह जाग जाएगा तो तुम सभी मर जाओगे। इतना बोलकर जब वह उस जगह से बाहर निकलकर अपने आगे देखता है तो वह काफी ही ज्यादा डर गया होता है। वह देखता है वहां की पूरी जगह बाढ़ में बह गई होती है। वहां जो सैकड़ों या फिर हजारों में लोग थे वह पहले ही मारे जा चुके हैं। साथ ही वह देखता है उस तबाह हो चुकी जगह पर नीचे कोई उसकी ही ओर आ रहा होता है। उसे वह गौर से देख के बाद कहता है, यह तो येलो ड्रैगन माउंटेन का बीस्ट है। यह आदमी आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा है? आगे हम उन सभी के मेन हाउस को देखते हैं जहाँ पर उन सभी का बॉस और वह पर्सन बैठे हुए होते हैं। लेकिन उन सभी को भी उस सुनामी से हुई तबाही का एहसास हो गया होता है। बॉस कहता है, आखिरकार ये अभी अभी था क्या? वो बंदा कहता है, लगता है कि दलदल के पास कुछ हुआ है। मैं जल्द ही इसे चेक करके वापस आपको रिपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर जरूर कुछ हो रहा है। जिसको सुन वह लेडी बॉस कहती है, हम काफी इम्पोर्टेंट मामले पर बात कर रहे हैं, इसीलिए तुमको हर छोटी से छोटी बात को लेकर रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह बंदा कहता है, ठीक है मैम, हम इसका खुद ही ध्यान रख लेंगे। जो सुन वह बंदी कहती है, क्या सीरियसली? वो बंदा जिसको सुन सोचता है, क्या यार, ये औरत लोग भी ना, इन्हें कोई भी नहीं समझ सकता। आगे हम देखते हैं वह बंदा उसी जगह से काफी जोरदार तरीके से बोलते हुए कहता है, अटेंशन ग्रुप लीडर, पता करो दलदल के पास क्या हुआ है और जल्दी इसे निपटाओ। कोई भी ग्रुप यदि दूसरे मिशन पर ना होने के बावजूद भी इसे इनकार करता है तो उसे तुरंत ही इमिजिएटली पनिश किया जाएगा। सेम टाइम पर हम कहीं पर सोहंग को देखते हैं जो कि सोता हुआ योंग के बारे में ही सपने को देख रहा होता है। साथ ही वह उस बंदे की बातों को भी याद कर रहा होता है जो कि उससे बताया होता है लगभग 3। मुझे एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता है लेकिन मैं हाँ कह सकता हूँ कि वो 3 है। तो सोहंग कहता है, क्या तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? तुम ये कह रहे हो कि उस ओल्ड मैन के 3 जुड़वा है? जिस पर वो बंदा बताता है, नहीं वे जुड़वा भाई नहीं है, वे बस दूसरे स्लेव की तरह है। जरा इसके बारे में ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि वे पिछले कई दशकों से वही सेम आदमी रहे हैं? क्या तुमने कभी भी इसे नोटिस किया है? जो सुन सोंग काफी बड़ी सोच में पड़ जाता है और उस ओल्ड मैन के चेहरे को याद करने लगता है। बाद में वह उस बंदे से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, यदि तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झूठ बोल रहे हो तो तुमको इसके लिए पछतावा करना होगा। जिस पर वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरे लिए नया है? मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था पर मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि वह हमें कभी भी किसी चीज के लिए भुगतान नहीं करेगा। जरा देखो हमारी ओर और बताओ हम में से कौन था जो पहली बार तुमसे मिलने के लिए आया था? तुमको क्या लगता है, हम तीनों को देखकर क्या तुम पहचान सकते हो कि तुम हम में से सबसे पहले किससे मिले थे? उन तीनों को एक ही जैसा देख उसे उस ओल्ड मैन की एक बात याद आती है जब उसने उससे कहा होता है, बताओ अब तुम किसे देख रहे हो? मैंने अपने अपीयरेंस को नहीं बदला है लेकिन बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? क्या मैं बिल्कुल ही वैसा नहीं दिख रहा हूँ जिसे तुम देखना चाहते हो? जो याद कर वह हैरान हो ही रहा होता है तभी वह बंदा अपनी चुटकी को बजाता है और वहाँ के इल्यूजन को खत्म करते हुए कहता है, यह बस बेसिक हेल्यूसिनेशन ट्रिकों में से एक है, पर तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों पर ना विश्वास करते हैं और केवल वन साइडेड रहते हैं वह बड़ी ही आसानी से इसमें फंस जाते हैं। इंसानों की 5 इंद्रियां जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। लेकिन हाँ बेशक तुम्हारे जैसे असासिनों को हेल्यूसिनेशन में डालने के लिए केवल हेल्यूसिनेटिंग डॉल ही काफी नहीं है। पहचान की भावना रखने वाले लेकिन साथ ही बदला लेने के लिए बेताब रहने वाले लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उसके आसपास के सब कुछ केवल मतिभ्रम को मजबूत बनाता है। एग्जाम्पल के लिए हेवन एंड अर्थ जैसे स्मॉल फ्राई के बारे में तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनके पास सेंस ऑफ आइडेंटिटी थी? नहीं, वे सब बस परफेक्ट पपेट थे ओल्ड मैन के। अगर वो उनसे कहता है तो वे लोग आग में भी कूद जाएंगे। उस ओल्ड मैन के आसपास इस तरह के कई सारे कठपुतलियां हैं। अब तक हमें यही पता चला है तो अब यह तुमको सोचना है कि आगे क्या करना है। ये सारी बातों को वो सोच ही रहा होता है तभी दरवाजे पर कोई आता है और उससे कहता है, क्या तुम यहीं पर रुकने वाले हो? ऐसा लगता है कि येलो ड्रैगन माउंटेन का वह बीस्ट केवल तुम्हारे लिए आया है। तो सोहम कुछ भी नहीं बोलता तो वह बंदा उसे देखने के बाद वापस से जाते हुए कहता है, मुझे उस आदमी से नफरत है। और जब वह वहां से जा ही रहा होता है तभी उसके पीछे दो आ रहे सोल्जर कहते हैं, आखिरकार वह जानवर है कौन? तो वो बंदा उसे बताता है, तुमको यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ग्रुप लीडर
वह लड़का और मैं ही जानता हूँ। इस कहानी को आगे हम वापस सुहंग को देखते हैं, जो कि उसकी बातों को कमरे के अंदर से चुपचाप सुन रहा होता है। वहीं सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर कि युद्ध छिड़ गया होता है। हजारों की संख्या में लोग योंग पर अटैक कर रहा होता है, पर वह बड़ ही आसानी के साथ चींटियों की तरह उन सभी को मचल रहा होता है। वह अंधाधुन बिना किसी रहम के उसके आगे आ रहे सभी सोल्जरों को मार रहा होता है और हवा में सूखे पत्तों की तरह उड़ा रहा होता है। इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, उसने एक झटके में ही वहाँ के सभी सोल्जरों को खत्म कर दिया होता है। इसी के साथ जब हम उसके पीछे देखते हैं तो वहाँ का पूरा एरिया लाशों से भर गया होता है, मानो कि यहाँ पर एक भयानक युद्ध हुआ हो। आगे हम कहीं पर देखते हैं जहाँ पर कि इबॉक को बंद किया गया होता है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो वे लोग उसे अंदर ले जाते हैं, जबकि दो सोल्जर आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं क्या यह ठीक रहेगा उसे इसी तरह उसे सौंप देना, जिसके रिप्लाई में दूसरा बंदा कहता है हम क्या ही कर सकते हैं, उसके पास ग्रुप लीडर का रिटर्न ऑर्डर है। इधर अभी आए हुए बंदे जब इबॉक के पास जाकर देखता है तो वह अभी भी बेहोश होता है। वही वह बंदा उसे देखते हुए कहता है इबॉक द ग्रिम रीपर, कभी जिसे एडमायर किया जाता था वह अभी जमीन पर गिरा हुआ है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि यह जीवन कैसे काम करता है। तो उसके पीछे से एक बंदा कहता है क्या वह मर गया है सर, जो सुन वह उसे देखते हुए कहता है नहीं, वह बेहतर होगा अगर वह बॉस से मिलकर यह बता देता है कि क्या हुआ था, तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे हमें कुछ दिखाया नहीं जाता है। पता नहीं खुद मरेगा या फिर उसे मारेगा। खैर आगे हम देखते हैं योंग को, जो कि एक जगह पर पहुंचकर कहता है यह पॉइंटलेस है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो कैजुअलिटी और बढ़ेगी, पर अगर तुम इसे कम करना चाहते हो तो उस किडनैप किए गए पर्सन को मेरे पास लाओ और अपने बॉस को कहो बाहर आकर बात करें। इसके अलावा मैं किसी और से बात नहीं करने वाला, जो सुन माउंटेन के ऊपर से एक बंदा कहता है मुझे लगा था कि यह पूरी सेना होगी, पर यहाँ तो बस एक आदमी है। अगर तुम इतने दूर तक अकेले आ चुके हो तो जरूर तुम कोई साधारण आदमी तो नहीं होंगे। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के तीन ग्रुपों को सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए घात लगाकर इंतजार करना पड़ा। खैर कम से कम अब हम तुम्हारे हाथों और पैरों को सुअरों को खिलाकर उद्धार कर लेंगे, उसे इस तरह बोलता हुआ योंग जब देख ही रहा होता है तो उसी समय उस सफेद बालों वाले आदमी के पीछे से दोबारा हजारों में सोल्जर आने लगे हुए होते हैं और वो सभी बारिश की बूंदों की तरह योंग पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जो देख योंग एक लंबी सांस लेते हुए कहता है अरे यार मैं इसे लेकर बस बात करना चाहता था, पर ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आगे वह अपने अटैकिंग स्टेट में आते हुए मास थंडर स्केल और जिसके अगले सीन में ही हम देख उसे जो मधुमक्खियों की तरह सभी सोल्जर घेर लिया होता है, उसी समय उन सभी के बीच एक रोशनी चमकती है और इसी के साथ एक जोरदार धमाका होता है। उस एनर्जी से योंग की पूरी बॉडी भर गया होता है। साथ ही हम अगले सीन में देखते हैं दो पहाड़ियों के बीच एक काफी खतरनाक एनर्जी उस पूरे एरिया को घेर लिया होता है, बिल्कुल ही शॉक वेव की तरह, जिससे कि दोबारा उस जगह पर भूकंप आना शुरू हो गया होता है। साथ ही माउंटेन के साथ वहां पर सारे घर भी टूटना शुरू हो गया होता है। वहीं इस भूकंप को महसूस कर ये बंदा कहता है आखिरकार यह चल क्या रहा है सीरियसली। सेम टाइम पर हम सोहंग को भी देखते हैं, जो दोबारा इस भूकंप को महसूस कर होरे से रिस्पॉन्स को दिखाते हुए कहता है आखिरकार यह है कौन। जबकि इधर हम इबॉक जहाँ बंद होता है उस जगह को देखते हैं, वहां पर भी उस भूकंप के कारण वह पूरी तरह काफी बुरी तरह हिली होती है, जिसके चलते वह बंदा जो कि इबॉक को मारने के लिए अपने हथियार को बाहर निकाला होता है वह सीधे इबॉक के ऊपर ही जाकर गिर जाता है, जो देख वह परेशान होते हुए कहता है तेरे की। इतना बोलकर जब वह खड़ा होने लगता है तो इबॉक उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिस पर कि वह बंदा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वही इबॉक हंसते हुए कहता है मुझे अब याद आया चोहंग, तुम कचरे कहीं के जो कि ज्वाइन हुआ था व्हाइट हॉर्स स्क्वाड में केवल लोगों को मारने के लिए, वो अब तक जिंदा कैसे है। जो सुन वह बंदा उसे देखने के बाद उस पर अपने घूसों की लगातार
लगातार बारिश करना शुरू कर देता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऑलरेडी मर चुके हो मॉन्स्टर, कहीं के तो बकवास करना बंद करो। आगे वह उसे पीटने के बाद थकान के बाद जब खड़ा होता है तो उसके पीछे खड़ा दो सोल्जर कहते हैं, क्या तुम्हारा हो गया? तो वो बंदा काफी ही खतरनाक गुर्राहट को निकालता है, जो देखो वो दोनों बंदे भी चौंक जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वह चोहांग पता नहीं किस तरह लेकिन सिकोड़ना शुरू हो गया होता है। उसकी एज रैपिडली काफी ही तेजी से घटना शुरू हो गया होता है। वह एक पल में ही बूढ़ा होता हुआ जमीन पर गिर जाता है और बस हड्डियों से भरा खोखला लाश बनकर रह जाता है। उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद वे दोनों बंदे जब अपनी आगे देखता है तो हिबॉक ने अपने हथकड़ियों को खोल लिया होता है साथियों, और काफी ही बैडास लुक को देते हुए उन बंदों से कहता है, यह डिस्गस्टिंग खाना था, तुम कमीनों का स्वाद काफी बुरा है, खैर पर मुझे थोड़ा तो रिकवर करना ही चाहिए। आगे वह उन बंदों से कहता है, भगवान यार तुम चूहे कहीं के, जिसके बाद हम बस उन सभी का चिल्लाने की आवाज को ही सुन पाते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने आगे होश धमाके के बीच में योंग को काफी ही ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं। सच में यार क्या लेवल है पावर की। वे बंदे योंग को देखने के बाद कहता है, आखिर वह इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? क्या किसी के लिए संभव भी है ऐसा करना? मुझे डर है कि कहीं यह हिबॉक से रिलेटेड ना हो। वहीं योंग अपने आसपास देखता है जहाँ पर सारे लोग मारे जा चुके थे, कई 100 लोग तो पहाड़ के नीचे दबकर ही कुचल गए होते हैं। योंग उस जगह को ऐसी हालत को देख कहता है, क्या अभी भी तुम्हारे बाहर आने के लिए यह पर्याप्त नहीं है? क्या मुझे सच में इस पूरी जगह को राख में बदलना होगा? इतना बोलकर वह आगे जाने लगता है। दूसरी साइड सोहंग भी उसकी ओर अपनी सोच में खोया हुआ धीरे धीरे आ ही रहा होता है। उसी समय उसके बगल से कई सारे और भी सोल्जर उसे इग्नोर करता हुआ आगे की ओर जाने लगता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, तुम बीच रास्ते में क्या कर रहे हो? हमारे रास्ते से हट जाओ। जिस पर सोहंग कुछ भी नहीं बोलता और बस उन सभी को एक चट्टान के पीछे जाते हुए देखता है, और थोड़ी ही देर बाद उस चट्टान के कई टुकड़ों के साथ साथ वे सारे बंदे हवा में उड़ने लगते हैं और हम देखते हैं सोहंग और योंग आमने सामने होते हैं। योंग उसे देखने के बाद कहता है, तो तुम यहाँ पर हो? जिसके रिप्लाई में सोहंग कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम लेडी बॉस के कमरे में देखते हैं जहाँ पर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, तो वो दोनों जब दरवाजे की ओर देखते हैं तो वे लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिबॉक आने के बाद लेडी बॉस को कहता है, बहुत दिनों से नहीं मिले बॉस, कैसे हैं आप? उसी समय इधर हम योंग को देखते हैं जो कि सोहंग की चुप्पी को देख काफी ही ज्यादा सीरियस होता है, पर फिर भी सोहंग कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो जिसे देख सोहंग कहता है, क्या तो तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो? तो यंग उसे देखते हुए कहता है, मैं यहाँ, वो कहता है, हाँ बोलो तुम यहाँ? पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत होता है, बाद में एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, पहले मुझे बताओ क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आऊंगा? क्या तुम ही थे जिसने हिबॉक को किडनैप किया है? जल्दी मुझे बताओ वह कहाँ पर है? क्या तुमने उसे मार डाला है? जो सोहंग भी उसकी ओर एक नजर देखने के बाद अपने शर्ट को पुराने स्टाइल में हिलाते हुए कहता है, तुम यह किस तरह की बकवास को कर रहे हो? यदि तुम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो तो जल्दी मेरे पास आओ, पर उससे पहले मैं तुमको वार्निंग दे देता हूँ, यह पिछली बार की तरह नहीं होगा। इतना बोलते हुए वह भी अपनी नर्ज को काफी भयानक तरीके से रिलीज करने लगता है। योंग उसकी बातों को सुनने के बाद उसकी ओर काफी गौर से देखने लगता है, वही सोहंग भी उसकी ओर काफी तीखी नजर से देख रहा होता है, जिस पर योंग कहता है, अरे यार चलो छोड़ो, अगर तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है तो प्लीज इससे दूर रहो, और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं इसे बाद में करूंगा। इतना बोलकर वह उसके साइड से जाने लगता है तो सोहंग उसकी ओर देखने के बाद अपने शॉर्ट को बाहर निकालने लगता है, जिसके चलते योंग भी फाइट के लिए तैयार हो गया होता है। ऐसा लगता है कि अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि सोहंग के पीछे से कई सारे चेन जैसे अटैक सीधे योंग की ओर बढ़ रहे होते हैं, जो कि व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के किसी दूसरे ग्रुप ने किया हुआ होता है। वे दोनों ही जब उसकी ओर देखता है तो उस ग्रुप का लीडर कहता है, यह बुरा नहीं है, हालांकि मैंने सुना था कि वह बस एक ही आदमी है, लेकिन क्या बताओ मुझे वह दो हैं? तो उसके पीछे खड़ा एक बंदा उसे बताता है, वह स्वर्ड के साथ वाला पर्सन उसे स्वर्ड डेविल
या फिर वह कोई ऐसा है जिसे बॉस रिक्रूट करना चाहते हैं। जो सुन वह लीडर कहता है, क्या वह यहाँ पर उस घुस बैठिए को पकड़ने के लिए आया है? तो फिर वह किसका इंतजार कर रहा है? जिस पर उसके पीछे वाला पर्सन कहता है, क्या हमें भी थोड़ी देर के लिए इंतजार करना चाहिए? तो वह लीडर कहता है, यदि बॉस उसे भर्ती करना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से खुद को बचाने में एबल होगा, इसीलिए अब उन सभी को ही डाउन कर दो। उन सभी की बातों को सुन योंग कहता है, काफी अच्छा टीम वर्क है। तो सॉन्ग कहता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। वही वह लीडर कह रहा होता है, हो सके तो उसे जिंदा छोड़ देना, क्योंकि वह यहाँ तक आ चुका है तो मैं खुद उसे पर्सनली शराब को पिलाऊंगा, बाद में उसका गला काट दूंगा। इतना बोलते हुए वह सभी काफी जोश में आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ ही देर बाद वह सभी अपनी जगह से एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा पाए होते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी धराशायी हो गए होते हैं। और योंग चुपचाप वहां से आगे की ओर चला जाता है, जिसे कि सोहंग बस चुपचाप पीछे खड़ा देख रहा था। आगे हम दोबारा उस लेडी बॉस को देखते हैं, जो कि बॉक को देख काफी ही ज्यादा चौंक गई होती है। वही बॉक फुले सांड की तरह अपने मुंह से अंदर से धुएं को बाहर निकाल रहा होता है, साथ ही उसके कटे हुए निशान से भी धुआं बाहर निकल रहा होता है। तो लेडी बॉस उसे देखते हुए कहती है, बॉक तुमने यह कैसे किया? नहीं, पहले मुझे बताओ तुम इस तरह कैसे दिख रहे हो? जिसके रिप्लाई में इबॉक कहता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने मेरे सर को काटने का ऑर्डर दिया है, क्या इसके बारे में आप भूल गए हैं? जो सुन लेडी बॉस हैरान होते हुए कहती है, योंग हॉक तुम बेवकूफ। जिस पर वह बंदा कहता है, मैंने आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, जब मैंने आपको उस पर्सन के बारे में बोला था जिसने हमारे काम के बीच इंटरफेयर किया है, तो आपने कहा था कि मैं इसे खुद से संभाल सकता हूँ। जो सुन वह लेडी बॉस कुछ भी नहीं समझ पाती, जबकि योंग हॉक आगे इबॉक्स से कहता है, मैंने कुछ एग्जैजरेशन को यूज किया, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यह तुम्हें इतना पागल बना देगा। तो इबॉक हंसते हुए उससे कहता है, तो तुम यह बोल चाहते हो कि यह बस एक गलत फहमी थी और तुम बस इसे इसी तरह खत्म करना चाहते हो? जिस पर योंग हॉक कहता है, तो फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए माफी मांगू? जो सुन इबॉक उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद कहता है, माफी, अगर यह केवल मेरे बारे में होता तो शायद यह काम कर पाता, लेकिन जब तुमने मेरे फैमिली को इसमें इन्वॉल्व किया तो अब मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लेडी बॉस, उसे तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया होता है। वो सोच रही होती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी योंग हॉक कहता है, तो तुम और क्या करना चाहते हो? क्या तुम मेरे एक हाथ को लेना चाहते हो? तो इबॉक डबल स्माइल के साथ कहता है, हाँ, यह सुनने में तो अच्छा लग रहा है। इस तरह जब भी तुम अपनी गंदी प्लानिंग के साथ आने की कोशिश करोगे तो तुमको अपने खोए हुए हाथ की याद आएगी। उन सभी की बातों को सुन लेडी बॉस कहती है, क्या तुमने उसके परिवार के साथ कुछ किया है? तो बंदा उससे कहता है, मैं आपको इसके बारे में जल्द ही डिटेल में बताऊंगा। ऐसा वह उससे बोल ही रहा होता है, तभी वह लेडी बॉस कहती है, वहीं पर रुक जाओ। योंग हॉक भी अपने पीछे काफी चौंक गया होता है, लेकिन वह कुछ भी कर पाता उससे पहले ही इबॉक उसके हाथ को पकड़ लेता है और वह सच में एक डेविल की तरह ही लग रहा होता है। उधर वह योंग हॉक भी अपने स्वर को बाहर निकाल लिया होता है और ऐसा लगता है कि उसने इबॉक के मानो कई टुकड़े कर दिया हो और शायद वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी लेडी बॉस उससे चिल्लाते हुए कहती है, उसे मत मारना। तो वह बंदा अपने पीछे देखता हुआ कहता है, यह उससे नहीं मरने वाला, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना वह बोल ही रहा होता है, तभी इबॉक दोबारा उसके कॉलर को पकड़ लेता है। तो वह बंदा झट से उसके हाथ को क्रश करते हुए दोबारा से अपने डैगर के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं वह डैगर इबॉक के हाथ में धंसने के बावजूद भी वह किसी जॉम्बी की तरह उसके हाथ को पकड़ लिया होता है और बिल्कुल ही खतरनाक रूप से उसे की ओर देख रहा होता है, जिससे कि वह बंदा भी थोड़ी देर के लिए डर गया होता है। जो देख इबॉक अपने दूसरे हाथ से उसके गर्दन को पकड़ता है और उसके जबड़े को उसके सर से उसकी सारी एनर्जी को सोखना शुरू कर दिया होता है, जिसके चलते वह बंदा भी पहले वाले बंदे जो हम की तरह सूखना शुरू हो गया होता है और जल्द ही बूढ़ा होकर हड्डियों की खोखली कंकाल में बदल जाता है और तुरंत ही उसी जगह पर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। पर यह बस इल्यूजन था योंग हॉक का, क्योंकि जब वह उस बंदे की सारी एनर्जी को सोखने के बाद अपने आगे देखता है तो उसे अपने आगे योंग हॉक खड़ा दिखता है। वह उसे हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, भैंस की टांग, अब ये क्या है? योंग आखिर वह ऐसा कैसे कर सकता है? इसी तरह वह पानी की तरह वह इल्यूजन बिखरते हुए खत्म हो जाता है, जिससे कि बॉक परेशानी के साथ गुस्से में जब अपने आगे मरे हुए आदमी को देखता है तो वहाँ नीचे उसी का हाथ पड़ा होता है। उसने हेल्यूसिनेशन
सिचुएशन में अपने ही हाथ को उखाड़ कर जमीन पर फेंक दिया होता है। वह दर्द के मारे काफी गुस्से में उस बंदे से कहता है, तो यह एक हेलुसिनेशन थी, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय कब था जो तुमने इसे क्रिएट किया है। जो सुन वह बंदा उसे बताता है, मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा, पर तुम वहाँ पर कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? ऐसा तो नहीं है कि ग्रिम रीपर बस इसलिए हार मान लेगा क्योंकि उसने अपने एक हाथ को खो दिया है? उसे इस तरह करता हुआ पीछे लेडी बॉस भी देख रही होती है। वही वह काफी ही ज्यादा गुस्से में होता है, तो वह लेडी बॉस योंग हॉक से कहता है, अब बस बहुत हुआ, यह काफी है, इसे रोक दो। जिसको सुन जब योंग हॉक अपने पीछे देखता है तो लेडी बॉस उसकी ओर काफी गुस्से में देख रही होती है, और उसी समय इवॉक उससे कहता है, चलो इसे दोबारा ट्राई करते हैं, यह तुम्हारी बेकार सी हेलुसिनेशन। तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह हार मान लूंगा? अब तो मैं पक्का तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि तुम्हारे गर्दन को काट लूंगा। तो वो बंदा भी तैयार होते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। जो देख लेडी बॉस काफी गुस्से में अपने पैर को जमीन पर मारते हुए कहती है, मैंने कहा रुक जाओ। उसकी पावर से वह पूरा फ्लोर तबाह होने के साथ साथ पूरी जगह ही तबाह होने लगी होती है, जिसके चलते वह दोनों बंदे ही पीछे की ओर धकेले जाते हैं। आगे हम हिबॉक को देखते हैं, जो इस इल्यूजन से बाहर आते हुए उसका ध्यान अपने हाथ की ओर जाता है, जो कि बिल्कुल ही ठीक होता है। वह उसे देखता हुआ काफी चौंकता है, और इससे पता चलता है कि वह एक इल्यूजन से निकलने के बाद दोबारा दूसरे इल्यूजन में फंस गया होता है। वह अपने हाथ को देखने के बाद योंग हॉक की ओर देखते हुए कहता है, तो यह इस पूरे टाइम उसकी बस एक बेकार सी ट्रिक थी। वहीं योंग हॉक तो लेडी बॉस की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है, यह कैसे हो सकता है? उसने बस हेलुसिनेशन के वॉल को तोड़ने के लिए अपने क्यूआई का उपयोग किया। तभी वह लेडी बॉस कहती है, मैं अब और तुम दोनों के बीच हाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो सुन इवॉक भी शांत हो जाता है, तो लेडी बॉस योंग हॉक से कहती है, योंग हॉक मुझे बताओ कि क्या यह सच है, तुमने उसके परिवार के साथ कुछ किया है? जिस पर योंग हॉक बताता है, हाँ, लेकिन मैंने उन्हें केवल डराया है, उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाया है। जो सुन लेडी बॉस उस बंदे की ओर थोड़ी देर गौर से देखने के बाद कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बाद में मुझे एक अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन को दोगे। तो योंग हॉक कहता है, ठीक है बॉस। आगे वह लेडी बॉस इवॉक से कहती है, और तुम ग्रिम रीपर इवॉक, मेरे पास तुमसे मिलने के लिए प्लानिंग थी, पर यह इस तरह नहीं था। जिस पर की बॉक कुछ भी नहीं बोलता है, तो लेडी बॉस उसे इस तरह चुप देख कहती है, मुझे लगा नहीं था कि वह तुम्हारे फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करेगा। इतना बोलते हुए उसका दिमाग एकदम से ही ठनकता है, और उसे समझ आता है कि यहाँ पर यह तबाही क्यों हो रही है, क्योंकि उसने जब एक बार इबॉक के घर पर गया था तो वहाँ पर उसे योंग दिखा था, जो कि उसके बच्चों के साथ खेल रहा था। वो उसे याद करते हुए कहती है, अरे यार धत तेरी की, तो तुमने उसे किडनैप करने के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करके उसकी फैमिली को डराया था, बस इतना ही है ना योंग हॉक? वो ये बंदे भी उसकी इस तरह की बातों को सुन योंग हॉक के साथ साथ इबॉक भी कुछ भी नहीं समझ पाता, आखिरकार उसके बोलने का क्या मतलब है। लेकिन इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाती है, और यार मुझे नहीं पता इसका अगला चैप्टर कब आने वाला है, क्योंकि व्यूज आ नहीं रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्यूज और सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए मैं कुछ नया को ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि यह स्टोरी अच्छी तो है पर एक ही जगह पर घूमती है, साथ ही काफी स्लो है, तो कुछ लोगों को बोरिंग भी लगता है। पर चिंता मत करो, मैं इसे बंद नहीं करने वाला हूँ, या तो मैं इसके एपिसोड को कम करके आधे घंटे को कर दूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इसे होल्ड कर दूं, बस इतना ही। क्योंकि यार आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से अच्छी स्टोरी के साथ इंटरटेनमेंट कर सकूं, पर अगर सपोर्ट ही नहीं आएंगे तो हमारे लिए ऐसा करना काफी मुश्किल है। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसे होल्ड करने के बजाय कम से कम आधे घंटे का भी एपिसोड ला दूं, तो वह भी हर रोज, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बस वीडियोज को देखते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज यार कम से कम सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर ही दो, कमेंट नहीं करना है तो। इससे हमारी काफी बड़ी हेल्प हो जाती है, और YouTube भी आगे वीडियोज को भेज पाता है। और क्या बोलूं यार, चलो इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू, शुक्रिया।